लोकप्रिय विधायक महोबा श्री राकेश गोस्वामी जी, हमारे माननीय विधायकगण, विधायक चरकारी श्री ब्रजभूषण राजपूत जी, श्रीमती मनीषा रागी जी, श्री मनोज प्रजापति जी, विधान परिषद सदस्य श्री अविनाश सिंह चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसद श्री गंगा चरण राजपूत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री देवेश कोरो जी, जिला प्रभारी श्री संजीव सिंह ऋषि जी, जिलाध्यक्ष अवधेश गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष हमीरपुर सुनील पाठक जी, लोकसभा प्रभारी श्री संजय दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में हमीरपुर महोबा लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आला उदल और वीर चंदेलों की शौर्य भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी महोबा वासियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मेरे लिए तो महोबा की भूमि ऐसे लगती है जैसे हमारी अपनी भूमि हो, क्योंकि बाबा गोरखनाथ ने एक लंबे समय तक यहीं के गोरखगिरी में तपस्या की थी और आला उदल को अमरता का वरदान इसी धरती पर प्राप्त हुआ था, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार गोरखगिरी के पर्यटन विकास की संभावना को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, जब भी मैं बुंदेलखंड आता हूं, मेरे मन में लगता है कि वास्तव में बुंदेलखंड के साथ पिछली सरकारों ने कितना बड़ा अन्याय किया, कितना प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यहां नदी है, यहां नाले हैं, यहां खनन है, यहां पर्यटन की संभावनाएं हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने यहां पर माफिया तो पैदा किए थे, कोई खनन माफिया, कोई भू माफिया, कोई जंगल माफिया, कोई जंगल के डकैत, लेकिन यहां की जनता के साथ, यहां के विकास को अवरुद्ध करके यहां की जनता का उन्होंने शोषण किया है, उनके विकास के लिए कोई कार्य योजना नहीं बना पाए। और बहनों और भाइयों, महोबा के बारे में तो कहना ही क्या है, महोबा के बारे में कहा जाता है महोबा वाले बड़े लड़ैया, इनकी मार सही न जाए। और बहन और भाइयों, मैं नहीं समझ पाया कि आखिर आपने यहां पर पाप करने वाले, यहां के संसाधनों पर लूट मचाने वाले, यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले और यहां की बेटी और यहां की व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले इन माफियाओं पर अपनी वोट की मार क्यों नहीं दी, यही तो मैं कहने के लिए आज आपके पास फिर से आया हूं। यद्यपि 2014 में आपने निर्णय लिया, मोदी जी को अपना समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी और देश के अंदर परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया। आपके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, और जब मैं बुंदेलखंड के अपने पहले दौरे पर आया था, मेरे साथ हमारे जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह भी थे, और तब यही पुष्पेंद्र चंदेल मुझे मिले थे, तब यही राकेश गोस्वामी मुझे मिले थे, यही गंगाचरण राजपूत मुझे मिले थे, यही रामकेश निषाद हमारा जिलाध्यक्ष था, और यही सब लोग उस समय मुझे कहे थे कि बुंदेलखंड के लिए कुछ होगा। हमने कहा बुंदेलखंड के लिए वह करूंगा जो आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। और बहन और भाइयों,
आज मुझे अच्छा लगता है जब मैं बुंदेलखंड के अंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेस को देखते हुए चलते हुए देखता हूं, फर्राटे से गाड़ियां यहां पर फर्राटा मरती है, तो मुझे लगता है कि हमारा बुंदेलखंड भी अब विकास की ऊंचाइयों पर छूने से कोई रोक नहीं सकता है। बहन और भाइयों, आज जब बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना लागू होती है, मुझे भी लगता है कि मेरा बुंदेलखंड भी अब प्यासा नहीं रहेगा, क्योंकि यहां के हर घर में हम पानी पहुंचाएंगे, शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और जब बहन और भाइयों बुंदेलखंड के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं इसी महोबा में आए थे अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करने के लिए, अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना, मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ, तब मैंने इस बात पर गौरव की अनुभूति की, अब मेरे बुंदेलखंड के खेत भी प्यासे नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी कीमत बढ़ेगी, मेरे अन्नदाता किसान हमारे बुंदेलखंड में भी लोग खुशहाल हो पाएंगे। अब प्लान नहीं होगा, और माफिया के तो हम क्या हाल कर रहे हैं वो तो आप जान ही रहे हैं, उसके बारे में मुझे लगता बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, आप मुझे बताओ ये जितना काम हम लोगों ने किया है, क्या कोई चेहरा देखकर किया क्या, कोई गांव देखकर के किया क्या, कोई क्षेत्र देखकर के किया क्या? अरे तो मोदी जी का मंत्र है सबका साथ और सबका विकास, और मोदी जी ने मुझे कहा था कि जब आप की मुख्यमंत्री बनने के बाद जब दौरा करेंगे, सबसे पहला दौरा बुंदेलखंड का थोड़ा करना, क्योंकि बुंदेलखंड की प्यास को भी दूर करना है और बुंदेलखंड के विकास में की बाधा को भी, बैरियर को हटा करके एक अभियान चलाना है। और बहनों और भाइयों, आज जब बुंदेलखंड में बनी हुई तोप गरजती है ना बॉर्डर पर, तो सबसे पहले पाकिस्तान वालों की पैंट भीगती है, सबसे पहले इनकी हालत खराब होती है। और इसीलिए जब चुनाव आ गए हैं, मोदी जी का विरोध दो ही लोग कर रहे हैं, कौन लोग हैं, एक जो रामद्रोही है और दूसरा जो पाकिस्तान का समर्थक है, पाकिस्तान की बोली बोल रहा है। मोदी जी के समर्थन में वह हर व्यक्ति है जो राम भक्त है, जो राष्ट्रभक्त है, जो विकास का समर्थक है, जो गरीबों के उत्थान का समर्थक है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा का समर्थक है, वह हर व्यक्ति मोदी जी का समर्थन कर रहा है। और इसीलिए मोदी जी परसों यहां आ रहे हैं हमीरपुर में, राठ में आएंगे, स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि पर जाकर के पुष्पांजलि करेंगे और बुंदेलखंड वासियों को अपना संदेश भी देंगे यहीं इसी धरती से। बहनों और भाइयों, आप मुझे बताओ 2017 के पहले क्या स्थिति थी, डकैतों का आतंक था, बड़े बड़े माफिया थे, आखिर सपा बसपा कांग्रेस ने तो केवल माफिया यहां दिए थे, अराजकता फैला रहे थे, लूट खसोट मचा रहे थे, सड़कों को बर्बाद कर रहे थे, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में थी, विकास ठप पड़ा हुआ था। और आज डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में, एक नहीं दो दो नोट, झांसी से लेके चित्रकूट तक पूरा डिफेंस कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया, हम लोग बुंदेलखंड को नोएडा की तर्ज पर विकसित करने के लिए हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। मैं बधाई देता हूं बुंदेलखंड वासियों को, अब हमारा बुंदेलखंड का नौजवान बुंदेलखंड से प्लान नहीं करेगा, एक बार हमें इस योजना को लागू करने दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं बुंदेलखंड का नौजवान तो यहां नौकरी पाएगा ही पाएगा, बुंदवा नौकरी देने वाला हम उसको बना देंगे और दुनिया आपके पास नौकरी की भीख मांगने के लिए आएगी। बहनों और भाइयों, जब बुंदेलखंड के साथ हम बात करते हैं तो मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, एक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने केवल लूट मचाई थी यहां पर,
जो लूट देश के अंदर मचाई थी, जो बर्बादी ये लोग देश के अंदर लाए थे, वही ये लोग लेकर के आए हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए, चुनाव केवल चुनाव नहीं है हमारे लिए। मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर देश को बदल करके रखा है। इन 10 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई, उसकी जो जड़ थी कश्मीर की धारा 370 समाप्त हुई और विकास के बड़े बड़े कार्य हुए, हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, आईआईटी, आईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, यहां पर भी हम लोग मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बहनों और भाइयों, चाहे वह ट्रिपल आईटी का हो, एनआईटी का हो, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का हो, हर घर नल की योजना का हो, या गरीबों को सुविधा देने का हो, आप सोचो। मैं पूछना चाहता हूं, इस समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब भूख से मरता था, आज 80 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 80 करोड़ लोग फ्री में राशन, और पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23 से 24 करोड़। मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उभार करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। पिछले 10 वर्ष के अंदर पाकिस्तान की जितनी आबादी, उससे ज्यादा लोग हमारे यहां गरीबी से उभरे हैं। और पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे रोज आंदोलन चल रहे हैं, 1 किलो आटा के लिए मारपीट हो रही है। ये छीना झपटी पाकिस्तान के अंदर हो रही, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, इनसे बोलो कि अगर पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हो? जाओ ना पाकिस्तान में, वहां भी कटोरा लेके भीख मांगो। धमकी देते हैं कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग धमकी देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उनके पास एटम बम है। तो हमने कहा भी देखो, उनके पास एटम बम है तो क्या हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए बना है क्या? अरे पाकिस्तान की इतनी भी आबादी नहीं जितनी आबादी यूपी की है। हमारा देश तो बहुत बड़ा है, पाकिस्तान क्या निपट पाएगा? और उसने जब भी दुस्साहस किया है, भारत के बहादुर जवानों ने उसको नेस्तनाबूत ही किया है। और उसमें हमारे बुंदेलखंड का नौजवान तो जब सीमा पर जाता है मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए, तो उसकी मार से दुश्मन चारों खाने चित ही होता है। भारत हमेशा विजय श्री का वर्णन ही करता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आप सोचो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड, कहीं भी जाइए उपचार कराइए। और उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था की है कि अगर किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है, अगर वह व्यक्ति कोई विधायक के माध्यम से, कोई सांसद के माध्यम से, कोई पूर्व विधायक, कोई पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी मुझे लिख देता है कि मैं बीमार हूं, उपचार की व्यवस्था नहीं है, मैं कहता हूं एस्टिमेट भिजवा दीजिए, अपना आपके अकाउंट में सारा पैसा हम भेज देंगे, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि सरकार आपकी है। बहनों और भाइयों, आज हम भी दे रहे हैं 1000 करोड़ रुपया, हम गरीबों को भेजते हैं उपचार के लिए, कोई चिंता नहीं, क्योंकि जनता जनार्दन की सरकार है, हमारी प्रतिबद्धता जनता के प्रति है और जनता की सेवा हम करेंगे। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, बहनों और भाइयों 12 करोड़ किसान किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ घरों को एक एक शौचालय बना दिया गया है। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दिला दिया है। 4 करोड़ घर बन गए हैं, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और मोदी जी ने आश्वासन दिया है जितने बचे हैं अगले 5 वर्ष के अंदर उन सभी गरीबों के एक एक मकान बनेंगे। और मैं आपसे कहता हूं, आप भी अभी से कार्रवाई शुरू कर दीजिए, कोई हर गरीब के पास एक एक सिर ढकने के लिए आवास देंगे। बहनों और भाइयों, इन सब योजनाओं में क्या किसी के साथ भेदभाव हुआ है क्या? किसी की जाति, मत और मजहब देखा गया क्या? सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ काम हुआ।
एक तरफ ये लोग विकास और सम्मान और सुरक्षा में बाधक थे, कांग्रेस सपा बसपा तीनों, और दूसरी तरफ आपकी आस्था के साथ भी खिलवाड़ करते थे। आपने कांग्रेस और सपा के लोगों के बेशर्मीपूर्ण बयान देखे होंगे। समाजवादी पार्टी का महासचिव क्या कहता है? कहता है अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना है। बोला ना? बोला, बोला है ना? क्या इनका बयान से समर्थन करेंगे? क्या क्या इनके बयान का समर्थन करेंगे? कांग्रेस के एक नेता ने क्या कहा? कहा भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। अरे राम मंदिर का निर्माण भारत में नहीं होगा तो क्या इटली में होगा क्या? लेकिन इनकी बात तो देखो, ये वही सपा और कांग्रेस के लोग हैं बहनों और भाइयों, जब इनकी सरकार थी तब ये क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। तब समाजवादी पार्टी के लोग क्या करते थे? कहते थे अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और तब इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाला भारत के अंदर शासन करेगा क्या? क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, अरे ये जन्म पुण्य करने के लिए बना है, पाप करने के लिए नहीं बना है। क्यों हम पाप करेंगे? एक वोट की खातिर ये पाप करेंगे कि हिंदुओं के हत्यारों को सत्ता सौंपेंगे क्या? कतई नहीं होना चाहिए पाप। आज तो आपके पास कहने के लिए है, अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बताने के लिए। क्या बताएंगे? देखो भाई, हमने रामलला को अपनी आंखों से अयोध्या में 500 वर्षों के बाद विराजमान होते हुए देखा है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोल सकते हैं ना, ये बताने का अधिकार है आपको। और ये भी बोलिए कि ये हमारे कारण हुआ है, ठीक है, नेतृत्व तो मोदी जी का है, यूपी में योगी जी है, लेकिन बहनों और भाइयों बताइए कि मोदी जी और योगी जी की ताकत जनता जनार्दन की ताकत है। जनता जनार्दन का जब आशीर्वाद मिलता है तो मोदी जी और योगी जी को ताकत मिलती है, और उस ताकत के बल पर अयोध्या में राम मंदिर की बाधाओं को एक झटके में दूर करके भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इस लोक में तो अपनी वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी को आप बता पाएंगे कि हमने अपनी आंखों के सामने राम मंदिर को बनते देखा है, यह हम लोगों ने किया है। और इस लोक के बाद परलोक में जाकर के पूर्वजों को भी बता पाएंगे कि देखो जो आपका संकल्प था उस संकल्प को हम लोगों ने अपने एक वोट के बल पर पूरा होकर के आपको दिखा दिया है, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, लोक और परलोक को सिद्ध करने वाली भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार आज आपके पास फिर से आई है जनादेश मांगने के लिए। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, अपना दल, ये सभी दल एक साथ हैं, और दूसरी तरफ कौन है? कांग्रेस, जो राम को ही नहीं मानती, देश के विभाजन का बंटाधार करने वाली है। समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाने वाली है। लालू जी हैं बिहार में, गरीबों का यानी वहां पे पशुओं का ही चारा खा गए तो मनुष्य कहां से बचने वाले हैं? और बहनों और भाइयों क्या कहते हैं? कहते हैं मुसलमानों को सारा आरक्षण दे देना चाहिए, हमारा पिछड़ी जाति का व्यक्ति कहां जाएगा पिछड़ी जाति का व्यक्ति। और मैं तो कहना चाहूंगा, यहां पर जब आया हूं, हमारे सरदेय नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल सरदेय कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई थी, वे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मैं 3 दिन तक उनके परिवार के साथ रहा, मुख्यमंत्री रहते हुए मैं 3 दिन तक उस परिवार के साथ में था। बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द व्यक्त नहीं किए, एक भी शब्द व्यक्त नहीं कहे। कल्याण सिंह जी की मृत्यु होती है, ये समाजवादी पार्टी संवेदना के शब्द नहीं व्यक्त करती है। और अभी एक माफिया मरा था ना, ये माफिया के लिए मातम मनाने के लिए गए थे उसके घर में, गए थे कि नहीं गए थे?
तो इनकी संवेदना राम भक्तों के साथ नहीं, माफियाओं के साथ में है। देखा ना आपने, देख लिया ना, तो क्या इन माफियाओं को चुन करके भेजेंगे क्या? माफिया समर्थकों को चुन के भेजेंगे क्या? और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, चुनाव है, चुनाव में अच्छा चुनाव करना है। ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का चुनाव है, हमारे लिए विकसित भारत बनाने का चुनाव है, और उस चुनाव के लिए आपका समर्थन लेने के लिए आए हैं। जिन लोगों ने बुंदेलखंड को पानी के लिए तरसाया है, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के संसाधनों में लूट मचाई थी, जिन लोगों ने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई थी, जिन लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया था, और जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, इनको अपनी इस कहावत को सार्थक करिए कि मोहबा वाले बड़े लड़ैया, इनकी मार सही न जाए, ऐसी मार अपनी वोट की दीजिए इनको कि इनकी जमानत जब्त हो जाए। सहमत हैं? सहमत हैं? पुष्पेंद्र चंदेल को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, भेजेंगे भारी बहुमत से बना के भेजेंगे, लेकिन इसके लिए आपको घर घर जाना पड़ेगा, मोदी जी और योगी जी का प्रतिनिधि बन करके जनता जनार्दन के साथ हमारा अभिवादन और राम राम बोलिए, और बोलिए कि हमने अपील की है, देश को बनाने का आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने वाला चुनाव है, और इसलिए इस चुनाव में मोदी जी को फिर से देश की सत्ता सौंपनी है। सहमत हैं? और इसके लिए आपको पुष्पेंद्र चंदेल स्वयं बनना पड़ेगा, बनेंगे? बहने माताएं सभी लोग, नौजवान किसान सभी लोग सहमत हैं? बनेंगे, जाएंगे, फिर से राम भक्तों की सरकार बनाएंगे, भारत को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय, श्री राम जय, जय श्री राम। कार्यक्रम के आभार के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री अवधेश गुप्ता जी को। पीएम सूर्य घर योजना से बिजली बिल होगा जीरो, यह है मोदी की गारंटी।